और थले अगे आते नरेश तेरा साथ आया पूरा ठीक है नरेश आई जाओ पीछे ठीक है एक मोर टनल को काम कर रहे थे उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। तो मौके वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज इस किम्स में घायल लोगों को देख के आया और अभी एक मृतक परिवार जब व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही जिन लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया और उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए ये जरूर जम्मू कश्मीर सर पिछली बार बड़ा एक्शन लिया था सर पुलिस ने जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी एसआरओ 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा ये जल्द देखा सर लगता है चुनाव में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज़्यादा है इस तरह की कोशिश करेगा लेकिन इसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया। अरे आप शुरू में बैठो पर इसीलिए जब तो बैठा रहा है और कल की बात कर कल करवा चौथ था अभी तक बोल बेटा बोल कश्यप अग्रवाल जी जो घर से बाहर थे अपने परिवार के जी आपका नाम मेरा नाम अर्जुन सूरी है कज़न ही है ये हाँ जी कब पता चला ये पूरी बात हमें ये तो
ऐसे देखा जाए तो सुबह ही पता लगा, रात को भी हम कॉल कर रहे थे, रात को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने अपने इनपुट से ऐसे आगे पीछे पता किया, हमें कंपनी से कोई वो नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हुआ है, वो भी हमने अपने लिंक्स लगाए तो हमें वहाँ से पता लगा, वो एक नाम लिखा हुआ जो आपको शाम को आई थिंक जम्मू में पता ही लग गया था सबको कि ऐसा मिलिटेंसी अटैक हुआ है, तो उसमें नाम मेंशन किया हुआ था, तो हमने आगे पीछे पता किया, हमें कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, सुबह तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्मेशन आई, तो वो फिर हमें सुबह 6 बजे में जब नाम वाम सब कंफर्म हुए, जब हमें पता लगा उस कंपनी के और भी बाकी बंदे थे, तो हमें पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, उनका देहांत हो गया, वो वहाँ पे उनका टेररिस्ट अटैक किया हुआ है, वो वहाँ पे एप्को कंपनी में टनल डिज़ाइनर थे, तो वहीं पे काम करते थे, वहाँ पे जेड मोड टनल है सोनामर्ग में, उसी के प्रोजेक्ट के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनकी कल शाम 6 बजे वाइफ के साथ बात हुई कॉल पे, तो वाइफ से यही बात हुई, उन्होंने बोला कि 8 बजे वीडियो कॉल करते हैं, करवा चौथ का आपको पता कल व्रत था, तो वाइफ ने कॉल करने के लिए 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़ोन उठा रहे नहीं है, घर में टेंशन का माहौल बन गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर 10 बजे के आसपास हमें एक 10-11 रात को लेट नाइट ऐसे में एक वो मैसेज आया कि ऐसे इनकी डेथ हुई है, तो हमने कंफर्म किया कंपनी से, उनकी कंपनी जो है उनसे बात कर रहे हैं, कोई कंपनी से कोई रिस्पांस नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई रिस्पांस नहीं, तो हम यही चाहते हैं कि ही वॉज सिंगल पर्सन हु इज अर्निंग मनी इन द फैमिली, तो आप जो गवर्नमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी वाइफ को जॉब दे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक उनकी 2 साल की बेटी है और एक बेटे ने अभी 12th की है, तो अभी भोपाल में वो बेचारा पढ़ने ही गया था, अभी 1 महीना हुआ है, अभी उसको जैसे तैसे करके हम वापस बुला रहे थे, उसको बताया नहीं है कि उसके फादर की डेथ हो गई, टेररिस्ट ने उसके फादर को मार दिया, वो हमने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि हमें खुद पता है कि हमें थोड़ी सी दूर आने में कितनी परेशानी हो रही थी, उस बच्चे ने भोपाल से आना है यहाँ पे, तो हम यही चाहते हैं कि एक फैमिली है, आप घर का हालात देखो, माहौल देखो, वो अकेले कमाते थे, जो इंसान कश्मीर में रह रहा है, वहाँ जॉब कर रहा है, वो आपको पता है वो कमा रहा है तो उसकी बाकी फैमिली खा रही है, अब जब वो खुद ही नहीं रहा तो फिर उसकी फैमिली खाएगी कहाँ से, तो हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो उनकी वाइफ हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, उन्होंने बीकॉम एमकॉम सब किया हुआ है, अच्छी क्वालिफिकेशन की है, तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटी की, उनको जॉब ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें वो तो देखा जाए तो एक हमारे शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, ही इज़ वर्किंग फॉर जेड मोल टनल, वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, वहाँ पे दिन रात रह के मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत करने के बाद उनको ये फल मिल रहा है कि उनको मिलिटेंट मार रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन बचा तो नहीं पाई उनको, बट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी फैमिली की हेल्प करे, जो उनकी फैमिली वो तो चले गए लेकिन उनकी फैमिली भी अधमरी हो गई है, क्योंकि घर पे आप खुद ही समझदार हैं, एक अकेला इंसान जब कमाने वाला हो और सारे 3-4 उनके मदर फादर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सेकंड क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है, सेकंड क्लास में उनकी बेटी पढ़ती है, तो उनका क्या फैमिली कैसे चलेगी, जब मदर उनकी बिल्कुल अर्निंग नहीं है, शी इज़ हाउस वाइफ, तो कैसे फैमिली चलेगी, खानदान तो मतलब एक तरह से ख़त्म ही हो गया, मेन जो फैमिली का हेड है वो चला गया, तो अब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है कि अगर उनकी गलतियां भी बोल लो, कुछ भी बोल लो, उससे हमारी फैमिली का एक बंदा चलेगा, तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि उनको जल्द से जल्द जॉब दें, आश्वासन ना दें, जॉब दें, आश्वासन आके बहुत आते हैं, आश्वासन देते हैं और 2 दिन के बाद कोई मिलता नहीं है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जम्मू का लड़का था, बाहर काम कर रहा है, कोई उसकी गलती नहीं थी, कोई उसका ना टेररिज्म के साथ कोई कनेक्टेड था, ना वो कुछ कोई उनकी कोई कुछ कर रहा है, वो एक घर पे सबका पेट पालने के लिए बाहर काम कर रहा है, तो अगर उसकी डेथ हो गई, उसका डेथ क्या, उसको तो मार ही दिया, मर्डर मतलब मिलिटेंटों ने समझ लो वो शहीद हो गया देश के लिए, तो अब शहीदी के लिए अगर हम आर्मी में वो होता तो कितना कुछ मिलना था, सेंटर कितना कुछ अप्रूव करती है, कितना कुछ देती है, तो वो एक बंदा अगर प्राइवेट जॉब एक एप्को कंपनी में, ही इज़ अ टनल डिज़ाइनर, वो अच्छा आर्किटेक्ट था, तो मैं बस यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक उनको जॉब, उनकी बीवी को जॉब दे कि वो अपनी दोनों एक बेटी और एक बेटे को पाल सके, उनकी पूरी ज़िंदगी बची है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है, थैंक यू। और अभी तक कोई बॉडी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि बॉडी कब तक पहुँचेगी, कब तक नहीं पहुँचेगी, हम यही बता रहे हैं कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ डी सी साहब ए डी सी साहब आए थे, तहसीलदार साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने बोला हम टचअप पे हैं डी सी साहब के साथ, तो हम यही करेंगे कि हमें बॉडी का जल्दी से जल्दी